तुझसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। अंकुश, जब हम लोग साथ में होते तो लाइफ कितनी परफेक्ट होती है ना। और मुझे पता है कि सारी प्रॉब्लम तब दूर होगी जब मेरे भाई की नफरत ना प्यार में बदल जाएगी। तब दो दिन में तमीर और पम्मी की शादी कराऊंगा, जो खा सकता है खा ले जा। निकलेगी साले की, शक्ल ठिकाने आ गई साले की। मुझे बोलता भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। तो नहीं था ये भानु, चलो सॉरी बोल। तो बेबी तुम इसको लेकर आई हो? अरे ये बेचारा खुद को तो रुक बचा नहीं सकता, तुम्हें क्या बचाए? तुम मुझे बोल देती, मैं तुम्हें छेड़ता ही नहीं यार। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यार देख हाथ कितने कांप रहे हैं यार। देख भगवान के लिए मुझे मारना मत। एक काम करो घर जाओ, मम्मी वेट करी ना खाने पे, लेट नहीं होना, जाओ घर जाओ। तेरा टशन जो है ना सब एक सेकंड में निकाल दूंगा, पुलिस को फोन करूंगा ना, फिर ये तुझे जेल लेके जाएगी। जेल? अरे तो भेज देना जेल यार, अपना ना जेल में आना जाना लगा रहता है, अपना दूसरा घर है यार वो। पर तू एक बात सोच, अगर जेल जाऊंगा तो वापस भी तो आऊंगा ना। और वापस आने के बाद तेरा भाई तेरी मैडम का क्या हाल होगा, कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। कुछ भी यार रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। देखा, इसे कहते हैं समझदार लड़की, कब अपना मुंह बंद करना है उसे पता है। So sweet. अबे काम कर, जा घर जा। तूने एक बात तो सही की, सब तेरी तरह बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना, जो 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। और वैसे भी ये तो तेरे घर जैसा हो गया होगा, पूरा दिन पढ़ा रहता है, लड़कियों को छेड़ता रहता है, और करेगा भी क्या तू? बेवकूफ, चल समझदार ये, बेवकूफ तू। ये क्या चल रहा है? What's going on? सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी क्लास में जाओ, चलो इमीडिएटली। भानु भानु रुको एक मिनट। अंकुश तुम रुको, क्या चल रहा था यहाँ? अंकुश प्रिंसिपल सर, भानु मुझे पिछले कुछ दिनों से छेड़ रहा है। अंकुश भैया तो बस उसे समझा रहे थे। अंकुश तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी कोई बात हो तो ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करो, खुद इनमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? चलो ना, गो टू योर क्लास। हेलो, आज तो कॉलेज क्यों नहीं आई? मेरा मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ? मन नहीं हुआ मतलब क्या, मुझे मिलने का भी मन नहीं हुआ? नहीं नहीं, बड़ा बदतमीज किस्म का मन है तेरा। तूने सुना नहीं है क्या, इश्क में दूरी जरूरी होती है? होती होगी, लेकिन हमारे लिए तो जहर है जहर। मम्मी आ जाना, तुझसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। तेरी पग पग सुनने का बड़ा मन कर रहा है, तेरी किस्सियां लेने का मन कर रहा है। अबे ओ मिस्टर डेस्पो कंट्रोल, हां गाड़ी थोड़ी स्लो चला वरना तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाने देना, क्या फर्क पड़ता है, ये गाड़ी स्लो नहीं होने वाली। अच्छा ठीक है, तू इतना मुकाबला हो रहा है तो मैं तुझसे मिलने आई जाती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। आज बड़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो रही हो, तेरे विलन टाइप के भाई का क्या होगा? प्यार किया तो डरना क्या यार। और वैसे भी तूने सुना नहीं है क्या, प्यार कभी अकेला नहीं आता, हमेशा हिम्मत साथ लेकर आता है। मैडम आज बड़े फिल्मी डायलॉग मार रहे हो, ज्यादा लस्सी पी के रखी है क्या? ये बता कि कहाँ मिलना है और कितने बजे? तेरे घर के बाहर रात को 12 बजे।
क्या हुआ, डर गई? मुझे पता था तू नहीं आने वाली है। सामने वाली गली पे वेट करियो मेरा, वहीं पे मिलेंगे, बाकी बातें वहीं पे। बाय। ठीक है। गॉड, भरोसा नहीं हो रहा, तू तो सच में आ गई। आ रही था ना, तेरी उल्लू सी शक्ल तो देखनी थी मुझे। तो मैं ना तेरे से बड़ी ना। अरे क्यों यार, तू पहले चल यार। अरे मेरी एंग्री यंग वुमन, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? तूने फिर पंगा लिया ना मेरे भाई से। अरे उसे पता चल गया पूरी दुनिया छोड़कर मैं उसके एक दुश्मन से प्यार करती हूँ, तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाने। तू क्या कर पाएगा तब बता? हाँ अच्छा एक बात बता, ये खून खोलाने की बीमारी तेरे घर में सबको है क्या? तुम लोगों को तो तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, मेरी झांसी की रानी कभी कभी गल भी कर लिया करना। बाइक रोक, मैं तुझे झांसी की रानी बन के दिखाती हूँ। बाइक रोक। अरे दिखाओ मैं तुझे। अरे अरे रुक, बहुत स्मार्ट बन गया ना आजकल। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। क्या कर रहे तुम मेरे हाथ छोड़। By God, bomb है तू, bomb। जब देखो फटने को तैयार। अच्छा बॉम्ब हूं ना मैं? बॉम्ब जब फटता है ना तो चिंगारियां गिरती है, लोग जल जाते हैं। इस चिंगारी से तो हम कब के जल चुके हैं। ये जो तू तेरी फिल्मी बातें ना, तो किसी और से कहना प्लीज। और मैं तुझसे अभी भी बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा? ठीक, गुस्से में तू डबल हॉट लगती है। और वैसे भी तेरा गुस्सा दूर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिखाओ क्या करने वाला है। ना दिखा, रुक रुक यार रुक। चॉकलेट, मेरी फेवरेट, देना प्लीज। ये तू झूली प्याली शेरनी की तरह करती है। आधा डाल दे तू इसकी। डाल दिए, इसकी भी और तेरी भी। अंकुश, जब हम लोग साथ में होते तो लाइफ एक परफेक्ट होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ एकदम परफेक्ट। काश हमारी रियल लाइफ भी ऐसी होती ना। पर मुझे पता है कि हमारी लव स्टोरी में कितनी सियापे है यार। और मुझे पता है कि सारी प्रॉब्लम तब दूर होगी जब मेरे भाई की नफरत ना प्यार में बदल जाएगी, तब।
हे पंगा, हमारे बीच में सब कुछ हमेशा परफेक्ट ही रहेगा। रही बात तेरे भाई की, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वो भी समझ जाएगा। हाँ पर तब तक लेट ना हो जाए। मैडम लेट तो अभी हो रहा है, तुम्हारा भाई ढूंढते ढूंढते इधर आ जाए। नहीं मुझे नहीं जाना, कितना परफेक्ट है अभी यहीं पे रहते ना थोड़ी देर, कितना मजा आ रहा है। पम्मी सुबह होने वाली है। तो क्या हो गया यार, सुबह होगी तो क्या लोग देखेंगे, मुझे नहीं डर लगता। ओ नखरे मत कर, नहीं तो कल पूरे दिन तुझसे मिलूंगा नहीं, बहुत हो गया नाटक मत कर तू, चल चल पम्मी चल। ठीक है मैं जा रही हूं। ओ कहां जा रही तू? कहीं भी जाएगी मैं तुझे ढूंढ निकाल, तेरी किस्सियां भी दे रही। अच्छा अब तो देखो, कल मैं पूरे दिन तुझे मिलूंगी लेकिन तू अपनी किस्सियां विस्सियां नहीं कर पाएगा, ठीक है? तड़पता रहेगा ऐसे। लगी शर्त? शर्त चल आ जा बैठ जा। शर्त लगी है, मैं जीत चुका। हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। ठीक, मेरी किसी है शर्त लगी है, चल। कौन सी शर्त, कैसी शर्त, मुझे नहीं याद है शर्त पर। अरे, प्लीज, प्लीज ना, प्लीज, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। ये क्या? तुम ही तो बोल दो, किसी करनी है? देख, ये किसी नहीं है, मेरे को प्रॉपर वाली दे, प्लीज। अच्छा? हाँ भी बोल। हेलो बानू भाई, तुझे भरोसा नहीं होगा लेकिन ये पम्मी और अंकुश का ना कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है यार। चल यहाँ से। हट जा दीदी। भाई प्लीज अपने एक बार बात तो। तुझे लगा तू वहां कुछ भी करेगी और मुझे कुछ पता लगेगा? हाँ बहुत होशियार हो गई है ना तू, तुझको पूरी दुनिया में वो लौंडा मेरा तो प्यार करने को। भाई मैं और अंकुश। चुप रह, एकदम चुप कर। चुप रह तुझी। पुत्र एक बार गल तो सुन ले। अगर तूने उसका नाम भी लिया अपने मुंह से तो मैं तुम्हें दोनों की खाल उतार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। प्लीज पुत्र एक बार सुन तो ले। सारे पद काटने पड़ेंगे मुझे। इसी से करती है ना तो ये फोन है ना तेरा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद मिलने की कोशिश भी नहीं है उससे तो मैं तुम दोनों की चमड़ी उतार दूँ, समझी ना?
पड़ी रहेंगे चल। इसी दरवाजा खोलने की कोशिश ही कितनी है कि तुम्हें पता मैं कुछ भी कर सकता कुछ भी। भरोसा रख प्लीज मुझे मत मत प्लीज मां प्लीज अरे ऐसा सैड मुंह बनाकर क्यों बैठा हुआ है क्या हो गया पूरे 24 घंटे हो गए पम्मी से बात नहीं हुई है इतने महीनों में ये पहली बार हुआ है क्या बात कर रहा है यार आज कॉलेज भी नहीं आई मुझे टेंशन हो रहा है एक काम कर निधि से बात कर पीछे बैठी है विधि पम्मी कहाँ है पम्मी कैसी है सॉरी अंकुश लेकिन पम्मी निधि कुछ बोलो पम्मी क्या अंदर पम्मी की एंगेजमेंट चल रही है भाई भाई ये सब उस भानु का किया करा है अभी साले को रोकते हैं। ए शर्मा शर्मा इधर आ लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा हम अंदर जाके ढंग से बात करें मुझे नहीं करनी शादी अंकुश क्या कर रहा तू यहाँ पे है तेरी हिम्मत कैसी हुई आने की भानु यहाँ से निकल जा तेरी टांगे तोड़ दूंगा वरना समझा निकल जा चल टांगे भानु तू मुझसे दो मिनट बात तो कर ले प्लीज मुझसे बात करेगा तू हाँ मुझसे बात करेगा तू देख मैंने कसम खाई आज मैंने हाथ नहीं उठाना किसी पे निकल जा यहाँ से वरना भानु देख तेरे मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ है तू उसमें पम्मी को क्यों घसीट कर लेकर आया हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं भानु देख आज तक मैंने तेरे को जो कुछ भी बोला और जो कुछ भी किया मैं माफी मांगता हूँ तुझसे भानु आई एम सॉरी अबे पिक्चर चल रही है यहाँ पे तू 100 कांड कर दे और यहाँ के बोले भाई आई एम सॉरी और मैं बोलूं ओके ले जा मेरी बहन को यहाँ से बहन है मेरी तेरी हिम्मत कैसी हुई चक्कर चलाने की उससे और एक बात कान खोल के सुन ले मैं पम्मी की शादी कहीं भी कर दूंगा किसी के साथ भी कर दूंगा लेकिन तुम दोनों को मैंने ना एक नहीं होने देना अब चुपचाप निकल ले यहां से वरना टांग तोड़ दूंगा तेरी अरे मानता हूं तेरी बहन है पर उससे पूछ लड़की है वो क्या चाहती है क्या नहीं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता अरे ज्ञान ना कहीं और जाके बांट गया तू समझा भैया क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते चुप एकदम चुप बड़ा भाई हूं तेरा जो फैसला किया तेरे ने एकदम सही किया और लड़की है लड़की की तरह रहे ज्यादा जबान चलाई ना तो उसे हाथ भी लगाया ना तेरे हाथ काट दूंगा सिद्धि है ना तू लातों से ही समझेगा प्यार तो तुझे समझ में नहीं आता मम्मी तू रो मत जब तक मैं जिंदा हूं तेरे से शादी तो मैं ही करूंगा लिख के रख ले बात दो दिन में तनवीर और मम्मी की शादी कराऊंगा जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले जा ठीक है तू भी एक बात साफ साफ सुन
अगर ये किसी से शादी करेगी तो वो है अंकुश वीर सिंह। भगा के ले जाऊंगा इसे, सब के सब। फिर मिलेंगे सब। जी तनवीर, टेंशन मत ले तू। हर गली में एक ऐसा कुत्ता जरूर होता है जो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं। भाई अब कुछ तो करना ही होगा। भानु हम पर नजर रखेगा, सब कुछ बहुत तरीके से करना होगा। देख शर्मा, मुझे इसके लिए थोड़े टेढ़े काम करने हैं। तुम लोग मेरे साथ हो तो बता दो, नहीं तो। बस भाई, बस तू इतना बता कि करना क्या है। सबसे पहले शादी कहां हो रही है पता करना होगा। हाँ। फोन पे बात करो उससे। हेलो अंकुश, कहाँ है यार तू? तू क्या कर रहा है? देख अगर तू कल नहीं आया ना तो देख लेना मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करने वाली। नहीं तू क्या करता है कैसे करता है वो तेरी टेंशन है, ठीक है? मुझे नहीं करनी विचर तनवीर से शादी। ठीक पम्मी, तू मुझ पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। यार भरोसा है तुझ पे तभी तो मैं जिंदा हूँ अभी तक किसी तरह। लेकिन अगर तूने ये भरोसा तोड़ा ना तो मुझे नहीं पता मैं अपने आप को क्या कर लूंगी कल, मैं बता रही हूँ। पम्मी तू फिक्र मत कर, बस हनीमून की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ। आपके लिए चैंपियन कॉम्प्लीमेंट्री है होटल की तरफ से। तो मम्मी आ गई है, चलो। ओए शादी है तेरी आज, शक्ल से बारह क्यों बजाए हुए? चल बाहर आजा। ओ आजा बाहर, चल बाहर आ, चल आजा। खींचू क्या अब? आजा चल। अंकुश यहाँ आ सकता है, नजर रखना मंडप एरिया, डाइनिंग एरिया, हर जगह। कोई गड़बड़ नहीं थी मुझे आज। भाई फिक्र मत कर, सब मामला अंडर कंट्रोल है। आजा चल ले जा। माँ तुम्हें तो हाथ नहीं छाड़ना आज, मैं फोन करने आने तक। तो यार दूर से फोन ही नहीं उठा रहे, शादी की ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं कुछ। हाँ, है दोबारा करना। दोबारा कर दो। तो यार इंतजाम से बढ़िया है ना। यार ये दूल्हे राजा कहाँ रह गए यार? तुमने फोन कर दिया, फोन ही उठा रहे, फिर नहीं उठा रहे यार। अरे राजा आ गए। हो आओ दूल्हे राजा, कहाँ रह गए थे यार इतनी टाइम से? फोन वोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे, क्या काम कर रहे थे? गला क्या गला खराब, कल जा रहा
कोई नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ बैजा, आ जा शाबाश, बैजा बैजा। वो भी इसका ध्यान रख जरा, मैं जरा कुछ काम करके आता हूँ। काम बोला था तुम दोनों को, तो तुमसे वो भी नहीं हुआ। पर मेरी बहन नहीं, मेरी ना दोनों की टांगे तोड़ दूंगा, चमड़ी की तो मत मानोगी। लूटा उनको, चला शादी तो संपन्न हो गई। अरे ऐसे कैसे संपन्न हो गया मेरा? तेरे को मेरी तकलीफ ख्याल नहीं है क्या? अरे दोबारा अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो तेरा हाथ काटूंगा। तेरी बीवी कब जाई? तेरी बहन थी, अब वो मेरी बीवी है। वो मेरी बीवी है। अंकुर छोड़ दो उसको, प्लीज छोड़ दो। अगर हम भी उसके जैसे हो गए तो
क्या फर्क रह जाएगा प्यार और नफरत में? उसको प्लीज छोड़ दो, प्लीज। अगर आज तू जिंदा है तो सिर्फ तेरी बहन की वजह से, जिससे तू आज तक कभी इज्जत से बात नहीं की, हमारे बीच में कभी नहीं आना, वरना सच में मार डालूं। इसका ख्याल रखना बेटा। क्या मां, अब भी शक करती हो? नहीं बेटा, शक नहीं करती, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुझे तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुमसे शादी करना तो दूर, मैं तुमसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। तुझे लगा था मैं टाइम पास कर रहा हूँ ना? बोला था तुझसे आऊंगा और उठा के ले जाऊंगा। तूने कमाल कर दिया, आई लव यू। अच्छा इस बार पे एक किसी तो बनती है। अब तो मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अच्छा? बाद में लूंगा। ये तू कह रहा है? मेरी झांसी की रानी। अच्छा?